क्या आपको पता है कि जो लोग आंख से नहीं देख पाते हैं, विजुअली चैलेंज होते हैं या फिर ब्लाइंड होते हैं, वो किसी भी सामान को कैसे पता लगा पाते हैं कि वो वही चीज है, या फिर अगर उन्हें किसी ने नोट दिया है तो उसे वो छूकर कैसे बता पाते हैं कि वो कितने का नोट है, उसमें उन्हें कितनी परेशानी होती होगी, क्या आप सोच भी सकते हैं? मेडिसिन लेने में उन्हें कितनी परेशानी होती होगी कि वो कौन सी मेडिसिन है उन्हें वो भी नहीं पता चल पाता होगा। तो क्या आपको पता है कि वो लोग जो ऐसे विजुअली चैलेंज होते हैं उन्हें ये सब चीज कैसे पता लगती है? तो ये सब उन्हें पता चलता है थ्रू ब्रेल साइन, जो कि उन्हें छू कर ही पता लग जाता है, उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है, वो सीख लेते हैं ब्रेल साइन को, जिससे कि उन्हें छू कर पता लग जाता है कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि करेंसी नोट्स में, मेडिसिन में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे जगह पर पब्लिक प्लेसेस में भी ये ब्रेल सिस्टम नहीं है। बहुत कम जगह है, जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह में आपने देखा होगा, बट बहुत मैक्सिमम ऑफ द जगह में ये सब नहीं यूज होते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी इन्हीं सब को लेकर, जिसमें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड, कंप्राइजिंग ऑफ टू मोर जजेस इंक्लूडिंग जस्टिस JB परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है इंक्लूडिंग सेंटर एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश द ब्रेल इंटीग्रेशन सिस्टम, जिससे कि जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड पर्संस हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो सके। फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस डू फॉलो मोस्ट ऑफ वकील। सत्यमेव जयते।